नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल सुनील हालाखंडी के व्यूज़ में। कुछ समय पहले मैंने आपको देवी अहिल्या की जीवनी पर आधारित जो सीरियल है सोनी टीवी पर पुण्य श्लोक अहिल्या, उसमें जो अहिल्या का रोल है उसकी तुलना में बता वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से की थी। और कल के एपिसोड में मेरी यही धारणा या मेरी यही जो परिकल्पना है उसको आगे बढ़ाते हुए, जब देवी अहिल्या माल अहिल्या को जब परमिशन मिल जाती है विद्या अर्जित करने की, तो जब वो पहली बार एंटर करती है एज ए विद्यार्थी विद्या मंदिर में, तो वो उसको नतमस्तक होकर विद्या मंदिर को प्रणाम करती है। इससे मुझे याद आई 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, वो केवल बीजेपी के नेता थे और उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, और जब वो पहली बार संसद में प्रवेश किया था तो उन्होंने किस तरह से नतमस्तक होकर प्रणाम किया था संसद भवन को, जो कि लोकतंत्र का मंदिर है। तो देवी अहिल्या ने विद्या मंदिर को प्रवेश के समय के पहले प्रणाम किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन को प्रणाम किया, तो कितनी सिमिलैरिटी है इसमें। और यही कारण है कि मैंने पहले इन दोनों की तुलना की थी आपस में, हालांकि कुछ लोगों को ये जमी नहीं थी। आपको जरूर ये थोड़ी सी क्लिपिंग अच्छी लगी होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।